दीर्घ दिन पर पुणी पुलिस एनकाउंटर कुख्यात गैंगस्टर सकिल मुख्य सहयोगी शेख बाबू और बरेन बाबू को एनकाउंटर करी पुलिस। चंद्रगा बारंग रास्तार ईएसआई हॉस्पिटल निकट में गुरुवार रात कटक दरगा बाजार पुलिस एनकाउंटर करी। एनकाउंटर हार्डकोर क्रिमिनाल बाबूर बाम आंठे गुड़ बाजि। आहत अपराधी बाबू को पुलिस गिरफ्त कर चिकित्सा कटक बड़ डाक्तरखाना भर्ती करी। बाबू चिकित्सित होता वार्ड में पुलिस सुरक्षा को कड़ाकड़ी। अनेपटे घटना को नहीं कटक डीसीपी प्रतीक सिंह प्रतिक्रिया रखी कहते कि बाबू सकिल मुख्य सहयोगी थे ता ना कोड़ी ऊर्ध मामला रही। आनंद स्पोर्ट्स बंदूक देखा बटी मागे घटन अन्यतम आसामी थी शेख बाबू। कटक भुवनेश्वर सीमार रही से अपराध करने योजना करुवा बेले दरगा बजार थाना पुलिस घटनास्थल में हटा चढ़ाव कर। यापर बाबू पुलिस उपरकू फायरिंग कर प्रतिजवाब में पुलिस पक्ष परिचालना जहाँफल बाबूर गोड़े गुड़ बाजिता तेरे सहर कौन प्रकार गांगुआर को प्रश्रय दिजा ना स्पष्ट करते डीसीपी प्रतीक सिंह। शेख बाबू अलियास बरन बाबू जो कि जड़े कुख्यात अपराधी अच्छी से सकिल गैंगर जड़े मेम्बर तार रईट हैंड भी कह जाए और सी आगु कोड़े ऊपर मामलें से संपुक्त अच्छी। गत वर्ष आनंद स्पोर्ट्स दरगा बाजार जो अच्छी से जा पैसा डिमांड करता बंदूक बंद दिखाई जान से मारी धमकी धमक दे सी नहीं कि गोटे दरगा बाजार 116/19 मामला रुजु होता आ छड़ा चार थाना अलग अलग केस्रे से वांटेड थिला आमर पुलिस दरगा बाजार वाला खोजुले और आमको कल खबर मिलला कि सी कटक और भुवनेश्वर बॉर्डर में लुचिकी से रोची और सी गोटे कम तार क्रिमिनल एक्टिविटी से जा खबर पाई दरगा बाजार और स्पेशल स्क्वाड टीम इमिडिएटली सीटी पहुँचला अरेस्ट करने जब से अरेस्ट करने को जाए फसबार चेष्टा कला और जब से देखा पुलिस धरवा को आसी से ऑफेंसिवली तार पोजिशन जो पिस्टल थी से पिस्टल रू फायर करी और ये घटन आम जन कांस्टेबल और स्टाफ को इंजरी होतापर पुलिस डिफेंसिव है से रिटेलेटरी फायर कर रिटेलेटरी फायर मैंने बुलेट इंजरी होती इमिडिएटली मेडिकल को एसीबी मेडिकल को स्थानांतर करा जाए सेठी तारा ट्रीटमेंट चालू छि से वर्तमान स्टेबल अछि और ये केस रे ताकु आर्म्स 9mm गोटे पिस्टल और एम्युनिशन और गोटे एक्टिवा बाइक ताको करे सीजर हे छि। केस बारंग थाना रे रजिस्टर करा जाए छि गोटे और तार इन्वेस्टिगेशन एबे कंटिन्यू करू छि और तार ट्रीटमेंट जदि करा जाउ छि ताकु ट्रीटमेंट हला परे ताकु कोर्ट को फॉरवर्ड करा जाए।